नमस्कार वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। दीक्षा भूमि पर आने वाले अनुयायी कोविड प्रोटोकॉल का करे पालन, पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने किया जनता से अपील। होटल व रेस्टोरेंट को रात 11 बजे तक खोलने की दे अनुमति, नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दिया नागपुर जिलाधिकारी को निवेदन। और कृषि उत्पन्न बाजार समिति के चुनाव में सुनील केदार के खिलाफ बीजेपी का पैनल, सेन लगाने के फिराक में बीजेपी। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर के पालक मंत्री नितिन राउत ने प्रदेश के कई जिलों में कोविड संक्रमितों की संख्या अधिक होने का हवाला देते हुए दीक्षा भूमि पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से धम्मचक्र प्रवर्तन दिन समारोह को टाला गया है। दीक्षा भूमि आने वाले अनुयायियों का स्वागत है, लेकिन खुद के जीवन की रक्षा के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने गुरुवार को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर दीक्षा भूमि पहुंचकर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की पवित्र अस्थियों के दर्शन कर अभिवादन किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि समारोह नहीं होने पर भी अनेक अनुयायियों के शुक्रवार को दीक्षा भूमि आने की संभावना है। इससे पहले दीक्षा भूमि परिसर में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक समिति के सदस्यों एवं वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में शुक्रवार की तैयारी की समीक्षा की गई। बैठक में विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा, जिलाधिकारी विमला आर, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, सह पुलिस आयुक्त अस्वती दोरजे, मनपा आयुक्त राधा कृष्णन भी, एनआईटी के सभापति मनोज कुमार सूर्यवंशी, दीक्षा भूमि स्मारक समिति के सचिव डॉक्टर सुदीप फुलझेले, ट्रस्टी विलास गजघाटे, नामदेव सुके, विशेष पुलिस महानिरीक्षक नवीन चंद्र रेड्डी आदि मौजूद थे। पालक मंत्री ने अधिकारियों को दीक्षा भूमि, कामठी स्थित ड्रैगन पैलेस एवं कोराडी के देवी मंदिर में नागरिकों की सुविधाओं की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए। 14 अक्टूबर 1956 रोजी याज दीक्षा भूमित विश्वरत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर त्यांनी आपल्या लाखो अनुयायांना या भूमीमध्ये बौद्ध धम्माची दीक्षा देऊन त्यांना प्रकाशाचा मार्ग दाखविला होता। एक नम्रतापूर्वक विनंती आहे कि त्यांनी या ठिकाणी येत असताना नियमाचे तर काटेकोरपणे पालन केलेच पाहिजे, परंतु ज्यांनी 2 डोजेस घेतले असतील त्यांनीच दर्शनासाठी या ठिकाणी यावं, कारण केंद्र सरकारचा नियमच तो सांगतो आहे। आणि तिसऱ्या करोनाच्या लाटेचं या ठिकाणी पदार्पण होत आहे अशी परिस्थिती राज्यात निर्माण झाली असताना आणि अहमदनगरसारख्या जिल्ह्यामध्ये 8 तालुक्यांमध्ये त्या ठिकाणी इमर्जन्सी लावण्यात आलेली आहे, या करोनाच्या काळामध्ये एक प्रकारे त्यांनी त्याचं पालन करावं। तर हे सगळं बघितल्यानंतर मला या ठिकाणी आमच्या समस्त बौद्ध बांधवांना आणि भीम सैनिकांना सांगावंसं वाटतं की येताना आपण मास्क लावा, डिस्टन्स मेंटेन करा, हातसुद्धा आपले सॅनिटाईज करून घ्या आणि 2 डोज घेतले असतील तर तुम्हाला या ठिकाणी आतमध्ये यायला कोणीही थांबवणार नाही, आपलं स्वागतच या ठिकाणी होईल आणि एक अमूल्य संधी आपल्याला या ठिकाणी प्राप्त झाली आहे, त्याची आपण निश्चितच लाभ घ्यावा। तद्वतच ज्यांनी 2 डोजेस घेतले नसतील किंवा ज्यांनी एकही डोस घेतला नसतील अशांसाठी सुद्धा जिल्हा प्रशासनाने व्यवस्था केलेली आहे, त्यांनी त्या संधीचा सुद्धा लाभ घ्यावा। त्यांचं वॅक्सिनेशनही होऊ शकतं या ठिकाणी, त्यांना टेस्टिंगही करता येऊ शकतं, ह्या समस्त सोयी या ठिकाणी करण्यात आलेल्या आहेत। जिल्हा प्रशासन ही आपल्या सहकार्यासाठी आहे, आपल्या विरोधासाठी नाही। मग ते पोलीस प्रशासन असो की नगर प्रशासन असो की जिल्हा प्रशासन असो, ही सर्व मंडळी आपल्याला सहकार्य करायला या ठिकाणी आहेत। आपण कृपा करून त्यांना वेगळ्या विचारात बांधून घेऊ नका, भावनिक होऊन समजू नका की ते तुम्हाला विरोध करतायत, केवळ ते तुम्हाला मार्गदर्शन करतायत,
की तुम्ही जर कुठे चुकत असाल किंवा दिसत असाल तर निश्चितपणे तुम्हाला ते समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करतील. आपण त्यांच्या मार्गदर्शनाचा सन्मानच केला पाहिजे, कारण ते लोक सगळे आपलं कर्तव्य बजावतात त्या ठिकाणी. आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानातच सांगितलेलं आहे की जे लोक आपलं कर्तव्य बजावतात त्या सर्वांना आपण सॅल्यूटच केला पाहिजे. जेव्हा आपण या मातीला वंदन करायला या ठिकाणी येत असतो तेव्हा प्रशासनाला सुद्धा आपण सहकार्य करावं, ही नम्रपणे विनंती पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना करतो. आणि धम्मचक्र प्रवर्तन वर्धापन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देऊन थांबतो. धन्यवाद. नागपुर में नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी विमला आर को होटल व रेस्टोरेंट का समय रात 11 बजे तक बढ़ाने की अनुमति देने हेतु ज्ञापन सौंपा. नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया ने कहा कि राज्य सरकार ने अनलॉक में सभी व्यवसायों को शुरू रखने के समय में शिथिलता प्रदान की है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने होटल व रेस्टोरेंट शुरू रखने का समय रात 10 बजे तक ही तय किया गया है. पुणे मनपा ने 11 अक्टूबर से होटल व रेस्टोरेंट को रात 11 बजे तक शुरू रखने की अनुमति दी है, जबकि पुणे जिले में कोविड संक्रमण दर नागपुर जिले से अधिक है. अगस्त से नागपुर में संक्रमण का दर 0.5 से है. चैम्बर के सह सचिव स्वप्निल अहिरकर ने कहा कि गत वर्ष भी होटल इंडस्ट्री को नवंबर 2020 से अनलॉक किया गया था. वह मार्च से जुलाई 2021 तक लॉकडाउन के साए में रहा. इस सर्वाधिक नुकसान इसी व्यवसाय को हुआ है. अतः स्थानीय प्रशासन आर्थिक दिक्कतों का संज्ञान ले पुणे मनपा की तर्ज पर होटल रेस्टोरेंट को रोजाना रात 11 बजे शुरू रखने की अनुमति देनी चाहिए. कृषि उत्पन्न बाजार समिति एपीएमसी में चुनाव चिन्ह का बंटवारा हो गया है. चुनाव चिन्ह के बंटवारे के साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि यहां पर लड़ाई दो पैनल के बीच होने जा रही है. केदार समर्थित पैनल को कब बशी चुनाव चिन्ह दिया गया है, जबकि बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों के लिए अलमारी चिन्ह दिया गया है. आढ़तिया व्यापारी वर्ग में एक उम्मीदवार का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है, जिसके कारण केदार गुट के उम्मीदवारों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दिया गया है. कृषि उत्पन्न बाजार समिति की चुनाव 23 अक्टूबर को होने जा रहा है. उम्मीदवार अब अपने अपने दल की प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैदान में कूद गए हैं. कलमना एपीएमसी चुनाव के पूर्व हिंगना, कलेश्वर, काटोल, सावनेर, नरखेड़ आदि एपीएमसी चुनाव में बीजेपी एवं अन्य दलों ने इक्के दुक्के पदों में सेंध लगाने में सफलता प्राप्त की थी, जिसके कारण इनके हौसले बढ़े हुए हैं. हालांकि ग्रामीण भागों में सुनील केदार ने अकेले दम पर चुनाव जीतकर स्पष्ट संकेत दिया है कि कलमना में पद छीनना आसान नहीं होगा. आढ़तिया व्यापारी वर्ग में भाजपा की दावेदारी पेश कर रहे पराते ने सेनाड़ के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसके कारण पेंच फंस गया है. इस मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर को होनी है. कोर्ट में मामले को देखते हुए केदार गुट ने मैदान में 2 की जगह 3 उम्मीदवार उतारे हैं. हालांकि इन्हें पैनल का चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया है. माना जा रहा है कि अगर सेना को अदालत चुनाव लड़ने से रोकती है तो डमी कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया जाएगा और उसे केदार अपना समर्थन दे देंगे. इस बीच प्रकाश वाधवानी का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है. केदार गुट से वे एकमात्र उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं जिनका रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है. हालांकि चुनाव जीतने के लिए उन्हें भी एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा. बीजेपी की कोशिश है कि इसी वर्ग की सीट में सेंध लगाई जाए और अपना 1-2 सदस्यों को एपीएमसी कार्यकारिणी में प्रवेश दिलाया जाए. व्यापारी आढ़तिया वर्ग प्रतिष्ठा की बात हो गई है और दोनों ही दल जोरदार घेराबंदी करने में जुटे हुए हैं. गिट्टी खदान थाना क्षेत्र में एक छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. वह बीमारी से परेशान थी. मृतक आकार नगर फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी जूही राजेश गिरी बताई गई. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जूही 10वीं कक्षा में पढ़ती थी. पिता राजेश पैथोलॉजी में काम करते हैं और माँ गृहिणी है. एक छोटा भाई भी है. पुलिस के अनुसार जूही को कर्क रोग हो गया था, इस वजह से वह हमेशा तनाव में रहती थी. उपचार के बाद भी उसे राहत नहीं मिल रही थी. बुधवार को राजेश अपने काम पर गए थे. शाम को माँ और छोटा भाई देवी मंदिर में दर्शन के लिए गए थे. इसी बीच जूही ने अपने घर में छत के हुक से टॉवेल बांधकर फांसी लगा ली. 7 बजे के दौरान माँ और भाई घर लौटे, दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन जूही ने प्रतिसाद नहीं दिया. आखिर माँ ने घर का दरवाजा खोला. जूही फंदे पर लटकी दिखाई दी. चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए. इसी दौरान राजेश भी काम से घर लौटे. घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. खबर मिलते ही गिट्टी खदान थाने के पीएसआई
कुणाल शेड़मा के अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जांच करने पर पुलिस को सुसाइड नोट मिला। इसमें जूही ने माता पिता से माफी मांगी है, बीमारी से तंग आकर आत्महत्या करने का उल्लेख किया है, अपने भाई से बड़े होकर माता पिता की देखरेख करने को कहा है। पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त कर आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया। पूर्व न्यायाधीश आर एम लोढ़ा के बीसीसीआई रिपोर्ट के अनुसार मैदानी खेलों के लिए प्रत्येक राज्य में एक ही संगठन रखने तथा उसे ही मतदान का अधिकार देने की सिफारिश किए जाने से हॉकी इंडिया की ओर से विदर्भ हॉकी एसोसिएशन की संलग्नता 1 जुलाई 2020 से खत्म करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय को चुनौती देते हुए विदर्भ हॉकी एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान अब मूल याचिका के समर्थन में 8 जिला हॉकी संघ की ओर से अर्जी दायर की गई। इस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अनिल किल्लौर ने अर्जी स्वीकृत करने से इनकार कर दिया। इंटरविनर के रूप में जिला हॉकी संघ द्वारा दायर अर्जी पर सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि वे विदर्भ और खानदेश विभाग में जिला हॉकी संघ का प्रतिनिधि करते हैं। अदालत का मानना था कि यदि प्रकरण को देखा जाए तो विदर्भ हॉकी संघ के तहत आने वाली प्रत्येक इकाई को इस याचिका में मध्यस्थ करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बेवजह इस तरह से याचिका का बोझ बढ़ता जाएगा। इस पर मध्यस्थों का मानना था कि वरिष्ठ इकाई द्वारा उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। यदि ऐसे जिला संघ को अलग कर दिया जाए तो वे स्वतंत्र रूप से अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर सकेंगे। लंबी दलीलों के बाद अदालत ने केवल याचिका का आकार बढ़ने की संभावना जताते हुए अर्जी ठुकरा दी। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता परचुरे का मानना था कि 10 मई 1959 को मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन के नाम से संगठन का पंजीयन कराया गया था। राज्य के पुनर्गठन के बाद 30 मार्च 1962 में विदर्भ हॉकी एसोसिएशन से परिवर्तित कर नागपुर में इसका मुख्यालय रखा गया। एसोसिएशन में न केवल विदर्भ बल्कि मराठवाड़ा और खानदेश के जिले भी शामिल है। राज्य सरकार की ओर से सिविल लाइन्स में करीब 3 एकड़ जमीन एसोसिएशन को प्रदान की गई। सदर में भी करीब 2 एकड़ जमीन दी गई। इन हॉकी मैदानों पर कई कैंप, टूर्नामेंट, सब जूनियर, जूनियर और वरिष्ठ स्तर की स्पर्धाएं भी आयोजित की जा चुकी है। अधिवक्ता परचुरे ने कहा कि 1980 और 1985 के दौरान इसी तरह से एसोसिएशन की संलग्नता रद्द करने का प्रयास किया गया था, जिसके खिलाफ कड़ा संघर्ष होने के बाद इस नीतिगत फैसले को लागू नहीं किया गया। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला परिषद के विविध विभागों में ठेकेदारों द्वारा लिए जाने वाले कार्य के लिए निश्चित राशि गारंटी के तौर पर बैंक में FD के रूप में जमा की जाती है। कुछ महीने पहले यह खुलासा हुआ कि ठेकेदार संबंधित विभागों के कर्णधारों से मिलीभगत कर यह फिक्स डिपॉजिट की रकम काम पूरा होने के पहले ही निकाल लेते हैं। यह अनियमितता सामने आते ही जमकर बवाल मचा और इस तरह शातिर तरीके से FD घोटाला करने के मामले में बड़ा नाम नानक कंस्ट्रक्शन का सामना आया। महीनों से आरोपी संचालक फरार है, उसके खिलाफ सदर पुलिस थाने में मामला दर्ज है, लेकिन अब तक पुलिस उसे खोज नहीं पाई। अब तो जिला परिषद में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के ही कुछ सदस्यों ने ही मामले को सदर पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच के सुपुर्द करने के लिए पुलिस प्रशासन को पत्र लिखने की मांग की है। एक दिन पूर्व हुए स्थायी समिति की सभा में सदस्यों ने नानक कंस्ट्रक्शन के खिलाफ
क्या कार्रवाई हुई, यह सवाल उठाया। वरिष्ठ सदस्य नाना कंभाले ने यह मुद्दा उठाया। सभा में आरोप लगाया गया कि लाखों रुपए के FD घोटाले की जांच के लिए जो 7 अधिकारियों की समिति बनाई गई है, उसकी जांच की गति बेहद धीमी चल रही है। समिति को जांच रिपोर्ट कंप्लीट करने के लिए अब तक 5 बार अतिरिक्त समय बढ़ाकर दिया जा चुका है। इससे ऐसा लग रहा है कि समिति की फाइनल जांच रिपोर्ट दीपावली के बाद ही आ पाएगी। यह जानकारी खुद CEO योगेश कुंभेजकर ने बैठक में दी। सदस्यों का कहना है कि घोटाला काफी बड़ा है और लगभग सभी विभागों में ऐसा होने की आशंका है। आश्चर्य की बात यह है कि अब तक दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं हुई। समिति का कहना है कि मामले की जांच में संबंधित बैंक का सहयोग नहीं मिल रहा है और तकनीकी कारणों से जांच की अवधि बढ़ती जा रही है। विगत कुछ दिनों से राज्य परिवहन निगम की कुछ बसों की फेरियां समय पर नहीं चलाने या रद्द किए जाने से कामठी परिसर के जरूरतमंद और विद्यार्थी परेशान हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बसों की फेरियां प्रभावित होने का मुख्य कारण डीजल की आपूर्ति व्यवस्था को बताया जा रहा है। कामठी बस स्थानक से बड़ी संख्या में विद्यार्थी और यानी ग्रामीण परिसर में आना जाना करते हैं, लेकिन विगत एक सप्ताह से ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाली बसों की फेरियां प्रभावित हुई है। जानकारी के अनुसार कामठी बस स्थानक से लगभग 20 ST बसों की फेरियां विगत कुछ दिनों से प्रभावित हो रही है। कोविड संक्रमण थमने के बाद कामठी शहर कामठी बस स्थानक से डिपो की बसें अधिक चले, लेकिन इसी डिपो की कामठी गुजरने वाली बसों की फेरियां ज्यादा असर दिखाई दे। रामटेक की कामठी गुजरने वाली बसों में आम विद्यार्थी सफर करते हैं। जिला परिषद की शालाओं, जलापूर्ति योजनाओं, आंगनवाड़ियों, ग्राम पंचायत भवनों आदि की बिजली बिल बकाया के चलते महावितरण द्वारा बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा रही है। लगभग 400 के करीब जिला परिषद शालाओं की बिजली काटी जा चुकी है। इससे कई शालाओं में पंखे लाइट शुरू नहीं होने से बच्चों व शिक्षकों को परेशानी हो रही है। वही कंप्यूटर शिक्षा में भी बाधा हो रही है। स्थायी समिति की बैठक में जिला परिषद सदस्य आतिश उमरे और संजय झाड़े ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि महावितरण की कार्रवाई से गांव-गांव में अंधेरा पसर रहा है। कोरोना के चलते ग्राम पंचायतों की आय नहीं हुई है, जिसके चलते बिजली बिल तत्काल जमा करना संभव नहीं है। ऐसे में महावितरण की कार्रवाई उचित नहीं। इस पर जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे ने भी ग्राम पंचायत की सीमा में महावितरण की जितनी भी संपत्तियां हैं उन पर टैक्स वसूलने का आदेश दिया है। बर्वे ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्राम पंचायतों की सीमा में महावितरण के जितने भी बिजली के खंभे, ट्रांसमिशन टावर, उपकेंद्र की इमारत, DP, ट्रांसफार्मर आदि है, उनका सर्वे कर सूची तैयार करें और उस पर ग्राम पंचायतों द्वारा टैक्स वसूलने का निर्देश दें। जिले में यह पहली बार हो रहा है कि महावितरण की कार्रवाई से परेशान जिला परिषद प्रशासन को इस तरह का आदेश दिया गया हो। अध्यक्ष ने जिले में अतिवृष्टि व बाढ़ से हुए फसलों के नुकसान का पंचनामा तेज करने का आदेश कृषि विभाग को दिया। उन्होंने कहा कि जिला परिषद व पंच उपचुनाव की आचार संहिता के चलते नुकसान का पंचनामा नहीं हो पाया है, इसीलिए अब तत्काल यह कार्य पूरा कर रिपोर्ट सरकार को भेजे। बैठक में जिले के तालाबों की नीलामी न करते हुए अवधि बढ़ाने का मुद्दा सदस्यों ने रखा, जिस पर उचित कार्यवाही करने का निर्देश लघु सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता को उन्होंने दिया। कोरोना का प्रभाव कम होने के साथ ही अब 8वीं से 12वीं तक स्कूल खुल गए हैं। 9वीं के बाद 10वीं में पहुंचे छात्रों की परीक्षा नहीं ली गई। अंतर्गत मूल्य मापन के आधार पर परिणाम तैयार किया गया। अब यह छात्र सीधे 11वीं में पहुंच गए हैं। यही वजह है कि छात्रों में जूनियर कॉलेज में पहुंचने का उत्साह है। प्रवेश प्रक्रिया के सभी प्रमुख चरण पूरे होने के बाद अब क्लासेस भी आरम्भ हो गई। कोरोना नियमों का पालन कर स्कूल शुरू किए गए हैं, लेकिन अब स्थिति ये है कि जितने छात्र आ रहे हैं सभी को प्रवेश देते हुए अध्यापन का कार्य किया जा रहा है। कोरोना के कारण छात्रों की 10वीं की परीक्षा नहीं ली गई, वही कई विषयों का संपूर्ण ज्ञान भी नहीं मिल सका। यही वजह है कि अब 11वीं में छात्रों को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, वही शिक्षकों को भी छात्रों पर अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अब 20 अक्टूबर से सीनियर कॉलेज भी शुरू हो जाएंगे, इसके बाद और रौकन बढ़ जाएगी। शिक्षकों का कहना है कि छात्रों का सबसे अधिक नुकसान हुआ है। हालांकि छात्र 11वीं में पहुंच गए हैं, लेकिन अब भी नॉलेज के मामले में पिछड़े हुए हैं। 11वीं प्रवेश के लिए अब तक 3 राउंड हो चुके हैं।
इसके बाद स्पेशल राउंड भी लिया गया। अब एक बार फिर सीटें खाली रहने पर 18 अक्टूबर तक प्रवेश की तिथि बढ़ाई गई है। साथ ही पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा। अब तक सीटी के 218 कनिष्ठ महाविद्यालयों में 59,195 सीटों में से 32,461 सीटों पर ही प्रवेश हुए हैं। लगभग आधी सीटें अब भी खाली है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें लोगों को मुश्किल में डाल रही है, लेकिन त्योहारों में खाद्य तेल ने महंगाई से थोड़ी राहत जरूर दी है। सरकार द्वारा आयात शुल्क में कई कटौती से सोयाबीन, पाम सहित सभी तेलों में गिरावट आई है। सोया व पाम क्रूड ऑयल में आयात शुल्क जहां 0% कर दिया गया है, वहीं रिफाइंड पर आयात ड्यूटी 12.5% पर बनी हुई है। सरकार के इस निर्णय से फल्ली को छोड़कर सभी तेलों के 3 में 50 से 60 रुपए और प्रति किलो में 3 रुपए की गिरावट आई है। व्यापारियों के अनुसार सरकार द्वारा सीजन में आयात शुल्क में कटौती करने का अर्थ है बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को फायदा पहुंचाना। तेल टूटा है तो सोयाबीन का बीज भी टूटेगा। अभी नया सोयाबीन मार्केट में आना शुरू हुआ है। पिछले 10,900 रुपए प्रति क्विंटल भाव को देखते हुए किसानों को नए सोयाबीन से बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन सरकार के इस निर्णय से सीड्स के भाव में भी गिरावट आएगी। इससे किसानों को नुकसान होगा। कम भाव में मल्टीनेशनल कंपनियां अधिक सीड्स खरीदकर स्टॉक कर लेंगी। सरकार को सीजन खत्म होने के बाद आयात शुल्क में कटौती करनी थी, जिससे किसानों को सीड्स के अच्छे भाव मिल जाते। अभी तेलों के 3 में 50 रुपए की गिरावट आई है, लेकिन 1-2 दिन में और 70 रुपए 3 और किलो में 4 रुपए की गिरावट आ सकती है। आयात शुल्क में कटौती से पाम तेल 2050 से 2070 रुपए प्रति टीन यानी 145 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। इसी तरह सनफ्लावर तेल 10 रुपए प्रति किलो की गिरावट के साथ 160 रुपए पर आ गया। तो वीकेबी न्यूज में सुबह के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।